ऐसा कहा जाता है कि GTA 5 उन गेमों में से हैं जो मर नहीं सकते हैं। कई गेम्स आए और चले गए, कई गेम्स आज भी पॉपुलर हैं, बट कितने GTA 5 जितने नहीं। आज की डेट में सिर्फ कुछ ही ऐसे गेम्स हैं जो GTA 5 को पॉपुलैरिटी में टक्कर देते हैं। GTA 5 के इतने ज्यादा पॉपुलर होने के कई सारे रीजंस हैं, और सही बताऊं तो गेम्स को पॉपुलर होने के कई सारे बेसिक्स रीजंस होते हैं, और कई सारे गेम्स पॉपुलर होते ही रहते हैं। बट GTA 5 को खास ये बात बनाती है कि ये गेम सिर्फ पॉपुलर ही नहीं हुई, इसने सेम पॉपुलैरिटी बरकरार रखी मोर देन 8 सालों से। क्योंकि हैरानी तो ये बात सुनकर होती है कि ये गेम 2013 में रिलीज हुआ था, और आज भी इस गेम के उतने ही नहीं पहले से ज्यादा एक्टिव प्लेयर्स हैं। मतलब GTA इतना पॉपुलर है आज भी कि किसी को गेमिंग की इतनी सी भी नॉलेज नहीं होगी, बट उसने GTA का नाम जरूर सुना होगा। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में इसी चीज को एनालाइज करेंगे मिलकर कि भाई आखिर ऐसा कौन सा रीजंस है जिससे GTA 5 ने वही पॉपुलैरिटी मेंटेन कर रखी है आज भी। मतलब हम इस वीडियो में ये बात नहीं करेंगे कि GTA 5 इतना पॉपुलर कैसे हुआ, बट ये बात करेंगे कि GTA 5 ने वो पॉपुलैरिटी मेंटेन कैसे रखी। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था कि गेम के पॉपुलर होना कोई बहुत इम्प्रेसिव बात नहीं है, पॉपुलर तो साइबर पंक भी है। बट जानने वाली बात तो ये है कि ऐसी कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से GTA 5 कभी ओल्ड नहीं होता। ऑलरेडी फेमस प्रीक्वल्स, इसका मतलब पहले से ही पॉपुलर GTA गेम्स। गाइस, क्या आपको पता है GTA 5 ने अपने रिलीज के फर्स्ट 3 डेज में ही $1 बिलियन अर्न कर लिए थे। $1 बिलियन। अब इतनी कमाई का रीजन ये नहीं था कि GTA 5 एक मास्टरपीस गेम था, इसका रीजन ये था कि GTA 5 के पहले से ही 7 और गेम्स पॉपुलर थे ऑलरेडी, और यही रीजन था कि GTA 5 को इतना ज्यादा बूस्ट मिला। बट हाँ, जो चीज GTA 5 को आगे ले गई ऑफ कोर्स उसकी वजह थी कि GTA 5 एक मास्टरपीस था। अब आप लोग बोलोगे कि भाई पहले के गेम्स मैटर नहीं करते हैं, ये रीजन कुछ ठीक नहीं लगा। तो एक एग्जांपल है मेरे पास, RDR 2 रॉकस्टार का एक बेहतरीन गेम है एंड काफी पॉलिश्ड एंड ऑलमोस्ट परफेक्ट गेम है लाइक GTA। और बिना किसी डाउट के RDR 2 काफी ज्यादा फेमस हुआ था और है भी, बट कंपेयर टू GTA 5 RDR 2 ने अपने फर्स्ट 3 डेज में $725 मिलियन की कॉपी सेल की थी। ऑफ कोर्स ये काफी ज्यादा है, बट ये GTA 5 के कंपैरिजन में कम है। तो इससे आपको ये आइडिया मिल गया होगा कि पहले के पॉपुलर गेम्स कितने ज्यादा मैटर करते हैं। प्लस आज की डेट में RDR 2 एंड GTA 5 दोनों के ही बेहतरीन एंड मजेदार ऑनलाइन गेम्स भी हैं, बट GTA 5 ज्यादा अलाइव है। एक और एग्जांपल, साइबरपंक के रिलीज होने के पहले ही इस गेम की 100 मिलियन की प्री ऑर्डर्स की गई थी, क्योंकि साइबरपंक को हाइप मिली थी विचर 3 से। जाहिर सी बात है कि सिर्फ इतनी रीजन वैलिड नहीं था इस बात को प्रूफ करने के लिए कि GTA 5 आज तक क्यों अलाइव है। सो इसका आंसर आपको इस वीडियो में आगे मिलता रहेगा। फ्रीडम, अब गाइस GTA 5 एक ऐसा गेम था जिसने फ्रीडम एंड ओपन वर्ल्ड का एक बेंचमार्क सेट कर दिया था। मतलब अगर ओपन वर्ल्ड गेम हो तो ऐसा हो, और इस बेंचमार्क को टक्कर सिर्फ 2 या 3 गेम ही दे पाए हैं, बैटमैन आर्कम नाइट, RDR 2, विचर 3 एक्सेट्रा। बट जो चीज GTA 5 में है वो किसी और गेम में नहीं, और वो है रियलिस्टिक फ्रीडम। अब आप GTA 5 में एक रियलिस्टिक एंड अलाइव वर्ल्ड देखते हो, एक ऐसा वर्ल्ड जो रियल में एग्जिस्ट करता है, नॉर्मल लोग, नॉर्मल कार्स, बट इसमें आप एक आदमी हो जो वो हर चीज कर सकता है जो आप रियल लाइफ में नहीं कर पाते। किसी गर्लफ्रेंड से बात करते आदमी को पंच मारना, मस्त मस्त कार चुराना और उसी कार से स्पीडिंग करना, और क्या नहीं, लगभग हर चीज। अब आप बोलोगे कि भाई ये फ्रीडम का लॉजिक तो GTA 4 एंड ओल्डर GTA गेम्स में भी था, तो GTA 5 ही अलग क्यों? तो इसका रीजन है GTA 5 के ग्राफिक्स, टेक्सचर एंड एनवायरनमेंट। एक टाइम पर आप GTA San Andreas एंड GTA 4 खेलते खेलते सोचोगे कि भाई आखिर ये गेम ही दिख रहा है, बट GTA 5 में कोई कोई जगह तो इतनी रियलिस्टिक है कि आप उसे रियल वर्ल्ड से कंपेयर करते हो। और ये बात सच है कि GTA 5 की ग्राफिक आज भी
आज भी आउटडेटेड नहीं लगती। 2021 में भी ऐसा फील होता है जैसे मैं न्यू रिलीज गेम खेल रहा हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि ग्राफिक्स में थोड़े इन्हांसमेंट होते रहते हैं वक्त के साथ, पर फिर भी ऐसी ग्राफिक्स 2013 में लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। ऑफ कोर्स वो तो स्टंट रहेंगे ही ना। आपको स्टिल समझ नहीं आया तो ये देखिए, रियलिस्टिक दोनों ही है, मगर ज्यादा अट्रैक्टिव कौन लग रहा है? GTA 5 ना। और इसीलिए काफी लोग GTA San Andreas और GTA Vice City में से GTA Vice City को ज्यादा अट्रैक्टिव बोलते हैं, और GTA लोग इसीलिए तो खेलते हैं मजे के लिए, जो लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट कर पाए, ना कि सीरियस गेम प्ले के लिए। और हाँ, रियलिस्टिक फीचर्स की बात हो ही रही है तो इससे मेरा थर्ड पॉइंट भी आता है, और वो है राइज ऑफ मॉडिंग एंड स्ट्रीमिंग कम्युनिटी। गाइज, GTA 5 को पॉपुलर रखने में स्ट्रीमर्स एंड फैसिनेटिंग मॉड्स ने भी उतना ही ज्यादा साथ दिया है, क्योंकि GTA 5 की मॉडिंग कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा है, तो स्ट्रीमर्स उन मॉड्स को ट्राई करते रहते हैं और गेम उतना ही इंटरेस्टिंग दिखता जाता है और लोग उसे और भी ज्यादा ट्राई करते रहते हैं। वेल, GTA 5 की मॉडिंग कम्युनिटी के क्लोज सिर्फ स्काइरिम की मॉडिंग कम्युनिटी ही आ पाई है। अब देखिए, यही रीजन है कि व्हाई GTA ऑनलाइन is more alive than RDR 2 online because of modding community. GTA में इतने mods हैं जो उसे दूसरी game से काफी ज्यादा अलग करती है। For example, GTA RP. Yes, GTA RP यानी कि GTA role play. GTA role play भी एक mod है जहाँ पर आप अपना role play करते हो GTA के world में। ये mod GTA online community को एक new realistic way में present करती है, और क्योंकि GTA RP काफी realistic है तो ऑडियंस तो अट्रैक्ट होगी ही ना, एंड स्ट्रीमर्स ने भी GTA RP यानी रोल प्ले को उतना ही पॉपुलर किया है, और ऑडियंस ये चीज देखना पसंद करती है, और ये स्ट्रीमर्स एंड ऑडियंस का व्यूअरशिप का साइकिल चलता रहता है और इस साइकिल के बीच में कौन पॉपुलर होता है? हाँ, GTA 5 वैसे तो सैम पे भी है, यानी कि सैन एंड्रियास मल्टीप्लेयर, बट वो फेमस क्यों नहीं है? क्योंकि वो इस व्यूअरशिप एंड स्ट्रीमर्स की साइकिल के बीच में फंसा नहीं है। अगला रीजन कि GTA 5 इंडिया में फ्री था। अब आप में से काफी सारे लोग बोलोगे, नो शौर्य भाई, नो भाई, ये GTA 5 कुछ टाइम पहले ही तो फ्री हुआ था, क्या बात कर रहे हो, GTA 5 इससे पहले से ही पॉपुलर है। तो मेरे मासूम दोस्तों, मैंने इस पॉइंट के स्टार्टिंग में ही कहा था, इंडिया में, हाँ GTA 5 इंडिया में भी पहले से ही पॉपुलर था, बट एपिक स्टोर क्रैश कब हुआ? जब GTA 5 फ्री हुआ। अब हाँ, ऑफ कोर्स GTA 5 पहले से ही पॉपुलर था, तभी तो लोगों ने उसे क्लेम कर करके एपिक गेम्स को क्रैश करवाया, बट ये जो चीज हुई थी, यानी कि GTA 5 जब फ्री बटे थे, तभी ये मोमेंट था जब इंडिया में ज्यादातर लोगों के पास जेन्युइन वाला GTA 5 आया था और उन्होंने ऑनलाइन अपने फ्रेंड के साथ खेलना स्टार्ट किया। अच्छा बताइए, इंडिया में जब GTA 5 फ्री में बटने से पहले GTA 5 फेमस था काफी पहले से, सबने GTA 5 को कंप्लीट भी कर रखा था, बट कितने लोग अपने दोस्तों के साथ खेलते थे, क्योंकि उन सब लोगों के पास GTA 5 का जेन्युइन गेम नहीं था, बट अब है, और लोगों को GTA 5 पहले से ही पसंद था। तो और क्या था, इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड GTA ऑनलाइन मॉडिंग कम्युनिटी एंड RP और ज्यादा बूम करने लगी। अगला रीजन, इजी टू डाइव इन। गाइज, ऐसे काफी सारे गेम्स हैं जो पॉपुलर हैं और काफी ज्यादा अमेजिंग हैं, लाइक रिसेंटली रिलीज वाल्हाइम और माइनक्राफ्ट। ये गेम काफी फेमस हैं, बट लोग इन गेम्स को खेलने से पहले काफी ज्यादा डरते हैं। मैंने देखा है लोगों को डरते हुए, वो कहते हैं, भाई इस गेम को खेलने के लिए तो इसे सीखना पड़ेगा ना। ऑफ कोर्स सीखना पड़ेगा, बट GTA में नहीं, GTA 5 का केस थोड़ा अलग है। इस गेम को अगर कोई ऐसा बंदा खेले जिसने आज तक कभी गेमिंग ना की हो, तो भी वो इस गेम में आराम से अडॉप्ट हो जाएगा कुछ ही मिनट्स में। और छोड़िए, आपको GTA ऑनलाइन भी नहीं सीखना, आपको GTA RP भी नहीं सीखना, तो सिंपली GTA 5 का स्टोरी मोड ऑन करो और डूब जाओ इस अमेजिंग दुनिया में। इतना इजी तो डाइव इन है। अगला रीजन, GTA 5 इज सो अलाइव। यप, GTA 5 में आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक चीज को दोबारा देख रहे हो। सिटी एंड NPCs इतने ज्यादा अलाइव हैं कि मतलब आपको अकेलापन महसूस ही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, वाल्हाइम एक मस्त मल्टीप्लेयर गेम, बस वाल्हाइम उतना अलाइव नहीं है। वहाँ अगर आपके साथ कोई दोस्त नहीं खेल रहा, कि आप बता भी नहीं पाओ कि आप कितने ज्यादा अलोन फील कर रहे हो। बट GTA 5 में अगर आप अकेले भी खेल रहे हो, तो आपके पास वैरायटी ऑफ लोग, सिविलाइजेशन, जोकर्स लाइक ट्रेवर, स्टोरी लाइन के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, और
इतना ज्यादा इंटरेक्ट करने के बाद आप सिर्फ एक ही वर्ड बोलोगे कि मैं इस गेम को और 8 साल खेल सकता हूँ। तो गाइस यही थी आज के वीडियो एंड वो कुछ रीजंस जिनकी वजह से GTA 5 पॉपुलर नहीं है। GTA 5 ने वो पॉपुलरिटी मेंटेन कर रखी है। एंड गाइस अगर आपको वीडियो जरा सा ही पसंद आई हो तो एक थम्स अप जरूर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अब गाइस फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।